हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ माला एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद माला मैम। स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो जो है उन स्टूडेंट के लिए है जो किसी भी लेवल पे टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। चाहे वो टेट के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टेट लेवल का टेट हो, या फिर आप जो है सी टेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या अदर आप जो है KVS, NVS, AMRS और DSSP का अगर आपको जो है पैडागोजी सेशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो उन पर बेस्ड जो है मैंने जो है MCQ सीरीज लाया हुआ है, ठीक है बच्चों। आपके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि हम जो है टॉपिक तो कर लेते हैं, लेकिन टॉपिक से रिलेटेड जो है वो MCQ आपको नहीं मिल पाता, जिससे आपको ये नहीं पता चलता कि कौन से टॉपिक की प्रिपरेशन कितनी हुई है। तो अगर आपने इससे इसके टॉपिक पढ़ लिया तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। अदरवाइज अगर आपने इसके टॉपिक को नहीं पढ़ा है, फिर भी आप MCQ से ही इस टॉपिक को समझ सकते हैं। और ये जो हमने क्वेश्चन सीरीज ली है, ठीक है, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट और प्रीवियस पेपर से ही लिया गया है, तो ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल चांसेस हैं कि ये आपके एग्ज़ाम में आएंगे, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ फैक्ट है इमोशन से रिलेटेड, वो हम आपको बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले इमोशन संवेग, ठीक है, संवेग को हम क्या कहते हैं, इमोशन कहते हैं। जैसे कि आप सभी ने सुना होगा, हमारा इंटेलिजेंस या IQ, ये सिर्फ IQ नहीं बता सकती है कि हम कितने सक्सेसफुल हैं, ठीक है। ऐसा देखा गया है कि जिस स्टूडेंट की IQ ज़्यादा होती है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो 100% सक्सेसफुल इंसान बने, ठीक है। जिसकी IQ एवरेज है वो भी सक्सेसफुल हैं। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, जब IQ जो है सक्सेसफुल को डिसाइड नहीं कर रहा है, तो एक और चीज़ मैटर करती है, वो हमारा होता है इमोशनल इंटेलिजेंट, ओके, कि हम इमोशनली कितने इंटेलिजेंट हैं, वो भी जो है हमारे सक्सेसफुल को डिसाइड करती है, हमारे सक्सेस को डिसाइड करती है, ठीक है। तो इसके 5 एलिमेंट होते हैं, ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंट के 5 एलिमेंट है। फर्स्ट है सेल्फ अवेयरनेस, सेकेंड है सेल्फ रेगुलेशन, थर्ड है सेल्फ मोटिवेशन, और फोर्थ है हमारा सोशल स्किल, ठीक है, और फिफ्थ है हमारा एम्पैथी, ठीक है। तो जो हमारे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये सारे जो हैं इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस के अंदर आते हैं, ठीक है। और जो हमारा फोर्थ और फिफ्थ है वो आते हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो इस तरीके से ये आज का फैक्ट था कि आपको ध्यान में रखना है कि सक्सेस में हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस का भी रोल होता है, ठीक है। फिर हम क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे दोनों में क्वेश्चन गिवन है, हिंदी इंग्लिश में, आप देखते जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमोशन, इनमें से कौन सा जो है संवेग है। तो स्टूडेंट, इमोशन क्या होता है, किसी भी चीज़ की फीलिंग को हम क्या कहते हैं, इमोशन। जैसे कि सैडनेस, हैप्पीनेस, फियर, ये सब क्या है, हमारा इमोशन है, ठीक है। कोई भी फीलिंग को एक्सप्रेस करना इमोशन होता है ना। तो यहाँ पे दिया हुआ है, फर्स्ट है फियर, ठीक है, डर जो है, यहाँ पे डर लिखा हुआ है, डर जो होता है वो क्या होता है, एक इमोशन है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, द डोमिनेंट एलिमेंट ऑफ इमोशन इज, इमोशन में कौन सी चीज़ें जो होती हैं वो डोमिनेट होती हैं। तो फीलिंग्स जो होती है वो क्या होती है, डोमिनेट होती है, ओके। भाव जो होता है वो क्या होता है, डोमिनेट होता है। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉग्निशन एंड इमोशन इज करेक्ट, ठीक है। संज्ञान और संवेग के संबंधी कौन सी चीज़ें सही हैं। तो स्टेटमेंट ये करेक्ट है, हमें पता है कॉग्निशन और इमोशन दोनों क्या है, एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है, तो नंबर फर्स्ट इज राइट ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट है हमारा, इमोशनल इंटेलिजेंट मे बी एसोसिएटेड विथ विच डोमेन ऑफ थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंट। जो संवेगनात्मक बुद्धि, बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है। तो हमें पता है जो इमोशनल होते हैं
वो हमने आपको बताए थे कि फाइव एलिमेंट होते हैं उसमें, तो इसमें हमने बताया था तीन जो होते हैं वो इंटरपर्सनल होते हैं और दो जो होते हैं वो इंट्रा पर्सनल होते हैं। तो हम इस थ्योरी में वो किससे रिलेटेड है, वो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंट एंड इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंट, ठीक है, अंतरा व्यक्तित्व और अंतः व्यक्तित्व बुद्धि। ओके, नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ दी फॉलोइंग फैक्ट हैज बिन लीस्ट डिस्कस इन अ साइकोलॉजी ऑफ इमोशन, मतलब अगर संवेग के मनोवैज्ञानिक में सबसे कम ध्यान किस पर दिया जाएगा, ठीक है। इमोशन इज अ सब्जेक्टिव फीलिंग एंड वेरियस फॉर्म पर्सन टू पर्सन, ये बिल्कुल जो है करेक्ट चीजें हैं कि इमोशन जो होती है वो एक फीलिंग है, ठीक है, एक किसी भी चीज को लेकर, और वो अलग अलग पर्सन में अलग अलग टाइप की हो सकती है। नेक्स्ट है, इमोशन मे नॉट ओनली ऑकर विथ इन इंडिविजुअल स्टूडेंट बट ऑल्सो विथ इन द इंटायर क्लास। कैसा हो सकता है कि इमोशन जो है किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट में नहीं बल्कि पूरे क्लास में हो, जो है वो पूरी क्लास में उत्पन्न हो। नेक्स्ट है हमारा, इमोशन आर अ कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ अराइजल एंड कॉग्निटिव इंटरप्रेशन। जो संवेग होता है, संवेग उत्तेजना और संज्ञानात्मक व्याख्या के जटिल पैटर्न होते हैं। नेक्स्ट है, इमोशन प्रोसेस इन्वॉल्व टू साइकोलॉजिकल एज वेल एज फिजियोलॉजिकल रिएक्शन। संवेदनात्मक प्रक्रिया में शारीरिक के साथ साथ मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएं शामिल होती है। सारी जो है सही है स्टेटमेंट। तो सेकेंड वाला है वो हमारा हो जाएगा राइट ऑप्शन, की नॉट ओनली ऑकर विथ इन इंडिविजुअल स्टूडेंट बट ऑल्सो देयर इन न इंटायर क्लास, ठीक है। ये जो है इस पर कम, मतलब कि पर्टिकुलर किसी इंडिविजुअल स्टूडेंट में ऑकर नहीं होती है, वो पूरी क्लास में होती है, ठीक है। तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल इज एसोसिएटेड विथ इमोशनल इंटेलिजेंट, ठीक है, मतलब इमोशनल इंटेलिजेंट में कौन सी स्किल जो है वो, कौन सा कौशल जो है वो शामिल है, ठीक है, बुद्धि से संबंधित है। ओके, तो हमने जो टाइप आपको बताया ही था, फाइव हमने एलिमेंट बताए थे, उसमें एम्पैथी जो हमारा था, ठीक है, तो एम्पैथी जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, जो हाँ इमोशनल थ्योरी से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट इज द फॉलोइंग स्किल आर इन्वॉल्व इन द इमोशनल इंटेलिजेंट एक्सेप्ट। इमोशनल में कौन कौन सी चीजें जो इन्वॉल्व होती हैं, एक्सेप्शन मतलब इनको छोड़ करके, ठीक है। फर्स्ट है अवेयरनेस ऑफ इमोशनल, बिल्कुल भावनाओं के प्रति जागरूकता होती है। मैनेजमेंट ऑफ इमोशनल, भावनाओं का मैनेजमेंट प्रबंधन होता है। फिर है क्राइटिसिज्म ऑफ इमोशन, ठीक है, और एमिकेबल रिलेशन विथ क्लास फेलो। तो ये सारी होती हैं सिवाय भावनाओं की आलोचना, है ना, ये नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है, वाइल अपेयरिंग इन असेसमेंट देविका फाइंड्स हर एरोसल एस एनर्जिंग वेयर इज राजेश फाइंड्स ही इज एरोसल एस डिस्करेजिंग। देखो, तो दो क्लास है जिसमें जो देविका है जो काफी जो है आकलन की प्रक्रिया हो चुकी है ना असेसमेंट के बाद, जो देविका काफी एनर्जेटिक है, लेकिन उसका जो फ्रेंड है वो अनुत्साही है, एनर्जेटिक नहीं है। क्यों? बिकॉज उनमें डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है? किसी भी चीज के एडोप्टेशन को लेकर डिफरेंस है, कि वो अपने आप को उस माहौल में एडोप्ट नहीं कर पाए, है ना। और अगर अगर आपको उस चीज का एक्सपीरियंस हो जाए तो आप आसानी से उसमें क्या कर सकते हो, अपने आप को एडोप्ट कर सकते हो। इसीलिए वो फियर जो है, वो जो है राजेश है, ठीक है, वो अनुत्साही है, ठीक है, क्योंकि वो अपने आप को लेवल में उसमें अडॉप्ट नहीं कर पाया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इनकरेक्ट इनकरेक्ट, कौन सा है इमोशनल के संबंध में जो इनकरेक्ट है। तो नंबर 9 का आंसर है सी, इमोशन डिपेंड ऑन कंसीनियस, ठीक है। नेक्स्ट है, मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमोशनली मोटिवेट चिल्ड्रन इज देयर
ओवर रिएक्टिव इन नेचर, ठीक है, जो इमोशनल चिल्ड्रन होते हैं वो जल्दी से रिएक्ट कर देते हैं, ठीक है। और भी इनकी क्वालिटी है, ठीक है, जब आप टॉपिक पढ़ेंगे तब आपको जो है ये सारी क्वालिटी जो है वो समझ में आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमोशनल इमोशनल कैथेराइसिस मीनिंग इंक्रीजिंग द एबिलिटी टू टॉलरेट इमोशनल रिप्रेशन, ओके। नेक्स्ट है जो प्राइमरी स्कूल होता है, ठीक है, उसमें लर्निंग के लिए मोस्ट इफेक्टिव एटमोसफियर क्या होना चाहिए, तो जो जहां उनकी संवेदनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, ठीक है, इमोशनल नीड्स आर मीट एंड दे फील डेट दे आर वैल्यू, और उन्हें फील हो कि वो वैल्यूबल हैं, वैल्यूबल पर्सन है, ठीक है। उसके बाद है लर्निंग, लर्निंग क्या है, तो लर्निंग जो होती है वो जो है इमोशन से इफेक्ट होती है, सीखने वाले संवेगों से प्रभावित होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट सिचुएटेड फॉर द इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, तो इमोशनल डेवलपमेंट के लिए कौन सा इन्वायरमेंट सही है बच्चों के लिए, तो डेमोक्रेटिक होना चाहिए, क्लासरूम जो है वो डेमोक्रेटिक होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है एनीवन कैन बिकम एंग्री, डेट इज इजी, बट टू डू एंग्री विथ द राइट पर्सन टू द राइट डिग्री एट द राइट टाइम फॉर द राइट पर्पस एंड इन द राइट वे, डेट इज नॉट इजी, दिस इज रिलेटेड टू इमोशनल डेवलपमेंट, ओके। नेक्स्ट है मैच्योर स्टूडेंट, जो मैच्योर होते हैं स्टूडेंट वो कैसा बिहेव करते हैं, तो वे सभी जो होते हैं कॉन्फ्लिक्ट विथ देयर इंटेलेक्ट, ओके, वो अपनी जो परेशानियों जो अपने इमोशन जान करके उनको रिसॉल्व करते हैं, है ना, अपनी जो इमोशनल प्रॉब्लम जो भी है उनको वो सॉल्व करते हैं, तो वो होती है, ठीक है, अपनी बौद्धिकता के साथ सभी प्रकार से द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं, जो इमोशनल इंटेलिजेंट और मैच्योर स्टूडेंट हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमा ने एक जो एग्जाम हुआ उसमें ए प्लस ग्रेड प्राप्त करने के लिए वो इच्छा रखती है, ठीक है, और जब वो एग्जाम हॉल में जाती है तो फिर वो बहुत ही नर्वस हो जाती है, उसके हाथ पर ठंडे हो जाते हैं, तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं, तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है, और वो सही से आंसर भी नहीं दे पाती, तो इसका रीज़न क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो पहला फर्स्ट है शायद वह इस परीक्षा के बारे में बहुत कुछ बहुत सोचती है, या जो उसकी जो टीचर जो ड्यूटी पर है वो अध्यापिका हो सकती है कि वो उसका स्वभाव बहुत ज़्यादा कठोर है, या फिर वो अकस्मात जो है संवेग आवेगों का सामना नहीं कर सकती, अचानक से कुछ आए, है ना, उस चीज़ को वो उसके लिए वो प्रिपेयर नहीं है, या फिर वो अपनी तैयारी के बारे में आत्मविश्वासी नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन राइट है इसका, ठीक है, कि वो एग्ज़ाम के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच के परेशान हो जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन है सीखने के बारे में सही है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द लर्निंग, तो लर्निंग के बारे में सब यही है कि लर्निंग इफेक्टिव तभी होगा जब जो है वो इमोशनली बच्चा जो है वो पॉजिटिव और लर्नर के द्वारा वो इमोशनली पॉजिटिव रहे, ठीक है, सकारात्मक रहे, संवेदनात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को वो संतुष्ट कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इमोशन लर्निंग एंड मोटिवेशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इमोशन के बारे में प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं जो है वो घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन सीरीज है, ठीक है, अगर आपने टॉपिक नहीं पीके है तो आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल है, यहाँ से आप इसे रीड कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, ओके, थैंक यू।